हेलो एवरीवन तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइव में और हमारा आज का ये जो सेशन है ये है एक परफेक्ट टाइम टेबल सुबह उठने वाले बच्चों के लिए यार देखो परफेक्ट टाइम टेबल जैसा हम कह नहीं सकते कि कुछ होता है क्योंकि लाइफ में हमेशा ये होता है कि हम हमेशा एक टाइम टेबल बनाते हैं जैसे हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह पास आते हैं तो हम क्या करते हैं फटाफट सोचते हैं नहीं यार अब हमें ना प्रॉपर्ली सीरियस हो जाना पड़ेगा और अब तो हमें अपना जो टाइम टेबल है वो बनाना पड़ेगा कोर्स कैसे कंप्लीट करना है ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी है ना तो बहुत सी बार क्या होगा कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ भी करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को करने के लिए जिनके हम आदि नहीं हैं होता है कि नहीं होता है जैसे बहुत सी बार मम्मी पापा क्या बोलते हैं सुबह उठ के पढ़ो लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते नहीं उठा जाता सुबह नहीं हो पाता है ये चीज कुछ बच्चे होते हैं जो रात में पढ़ने के ज्यादा मतलब ज्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई हम रात में ज्यादा पढ़े सुबह उठ के नहीं पढ़ाई होती तो देखो वो चीज आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग मैनेज करनी है ठीक है सुबह उठने के फायदे क्या हैं आपको स्टडीज में कैसे हेल्प मिलेगी और किस तरीके से आप क्या क्या चीजें अगर सुबह उठ के करोगे या पढ़ोगे तो कैसे आपका जो बाकी का दिन है वो किस तरीके से आप प्लान कर पाओगे किस तरीके से आपका जो आप मतलब जो भी चीज आप सुबह पढ़ रहे हो तो वो वाला तो काम आ ही आ रहा है बाकी का दिन आपका किस तरीके से इस्तेमाल होगा कितना ज्यादा समय एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा तो वो चीजें होती है देखो सात घंटे की जो नींद होती है ना बहुत है ठीक है छह घंटे बोलते हैं लोग लेकिन नहीं हम एक घंटा एक्स्ट्रा सात से आठ घंटे की नींद बहुत है किसी को सात घंटे में नहीं सर रहा तो वो आठ घंटे की कर ले, ठीक है, जरूरी नहीं है तो ये है कि सेवन टू एट आवर्स की स्लीप एक स्टूडेंट के लिए बहुत सही है उससे ज्यादा उससे कम ज्यादा सोओगे तो भी ज्यादा नींद आएगी कम सोओगे तो भी नींद आएगी तो ऐसे नहीं करना कि ज्यादा सो रहे हैं या फिर कम सो रहे हैं घंटे की हाय भाई लगातार कि नहीं यार बहुत थका हुआ अच्छे से सोता हूँ फिर पढ़ाई करूंगा नहीं ज्यादा सो जाओगे और ज्यादा नींद आएगी फिर कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे सो so, वो वाली चीज होती है तो सुबह सुबह का क्यों बोलते हैं अक्सर लोग बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए जल्दी उठना चाहिए जल्दी उठना चाहिए सो so, मेरे एक uh, मतलब कि Uh, हमारे एक सर हैं सो so, उन्होंने मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या होना चाहिए सुबह उठने का लोग क्यों प्रेफर करते हैं तो उन्होंने बोला कि देखो उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया कि हमारा फोन होता है और हमारा फ़ोन जब हैंग करने लग जाता है तो हम क्या करते हैं हमारे फोन को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं कर देते हैं कि नहीं कर देते ऑफ कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हम उसको ऑन करते हैं या फिर उसको थोड़ा स्विच ऑफ कर देते हैं या चार्ज वार्ज लगाते हैं जो भी करते हैं थोड़ी देर का उसको रेस्ट देने के बाद जैसे ही हम उसको चलाते हैं भाई क्या मक्खन जैसा फ़ोन चलता है चलता है कि नहीं चलता है बस वही चीज हमारे ब्रेन के साथ भी है वो ही चीज हमारे ब्रेन के साथ भी आप सारा दिन के थके हुए थे आप रात को सोए सो के आप सुबह उठे मतलब बैटरी है पूरी चार्ज एकदम चार्ज है बैटरी तो उस समय हमारी जो एफिशिएंसी होती है ना वो बहुत हाई लेवल पे होती है मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप सुबह उठ के पढ़ते हो अगर आप दिन में एक कोई टॉपिक ले लिया आपने

अगर आप सुबह उठकर करते हो अब सुबह उठ के ये नहीं है कि चार बजे उठो पांच मैं ये नहीं बोल रही आपको कि चार बजे उठो या पांच बजे उठो या छह बजे उठो या सात बजे उठो लेकिन ना नौ दस बजे भी नहीं उठना सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग ठीक है पांच बजे से आठ बजे के बीच में पांच बजे उठ जाओ छह बजे उठ जाओ ठीक है इतना तो उठना ही उठना पड़ेगा क्योंकि उस समय क्या होगा एक तो सारे घर वाले सो रहे होते हैं और बहुत ज्यादा शांति होती है ये वाला सेम फायदा रात में सोने वाले बच्चों के साथ रात में देर तक पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी होता है कि रात में बिल्कुल शांति होती है कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता आराम से अपनी पढ़ाई जो है वो कर सकते हो लेकिन एफिशियंसी जो होती है ब्रेन की एफिशिएंसी जो है वो मॉर्निंग टाइम में बहुत ज्यादा हाई होती है जिस टॉपिक को आप अगर रात में बैठ के कर रहे हो शांति में मान लो उस टॉपिक को आपको चार से पांच घंटे लग रहे हैं रात में करने में तो अगर आप वो टॉपिक मॉर्निंग में करोगे ना तो आप देखना दो से तीन घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे मतलब वो टाइम आपका सेव होता है क्योंकि एक आपके अंदर ना विल पावर होती है एक तो फ्रेश होता है बिल्कुल ब्रेन जो चीजें समझ नहीं आ रही होती है उसमें भी आप ध्यान देते हो क्योंकि आप थके हुए नहीं होते हो बिल्कुल भी एक कोई टफ टॉपिक आपने उठाया शाम हो रही थी सारे दिन के थके हुए भी थे ठीक है शाम को उठाया अरे यार एक सवाल नहीं हुआ दो सवाल नहीं हुआ आप हार मान के छोड़ दोगे कि मैं नहीं कर रहा मुझसे नहीं हो रहा मैं सो रहा हूँ मॉर्निंग टाइम में ऐसा नहीं होता मॉर्निंग टाइम में देखना आपको एक अलग ही तरीके की एक फ्रेशनेस फील होगी एक अलग ही तरीके की आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी बोलते हैं ना सुबह उठ के पढ़ोगे तो वो चीजें याद रहती है क्यों याद रहती है क्यों ऐसा क्यों होता है क्यों याद रहती है क्योंकि उस समय हमारी बैटरी जो है भाई वो फुल चार्ज होती है हमारे अंदर एक अलग ही टाइप की एनर्जी होती है जो हमें हेल्प करती है चीज़ों को और ज्यादा कॉन्फिडेंटली और और भी ज्यादा इफेक्टिवली करने के लिए तो इसीलिए सुबह जो उठने का काम है ना ये बहुत इम्प्रूव मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाएगा आपको आपके कोर्स में अब एक सलाह मैं हमेशा देती हूं कि सुबह उठ के ना वो वाले टॉपिक्स उठाओ जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है सबसे पहली चीज सुबह उठकर वो टॉपिक्स उठाओ जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है जिसमें कोर्स ज्यादा बचा हुआ है जिसको ज्यादा समय चाहिए जिसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए वो वाले टॉपिक्स को वो वाले सब्जेक्ट को मॉर्निंग में उठाओ ठीक है क्योंकि उस समय एक अलग ही जज्बा होता है कि अरे आज तो मैं ये करूंगा ये करूंगा एक आप उठे दस बजे आपने अपना एक प्लान बनाया दिन का कि आज तो मैं सौ सवाल ये वाले कर दूंगा ये कर दूंगा ये कर दूंगा ये कर दूंगा एंड एट द एंड क्या हुआ कि दो तीन सवाल ही निकले और फिर आप एकदम हताश निराश परेशान होकर बैठ गए कि यार नहीं ऐसा नहीं ठीक है ये चीज ऐसे नहीं होती सो so, यही आपको काम करना है कि मॉर्निंग में एक तो उठना है उठना है ये अपनी एक हैबिट अब आपने सोचा मैम ने बोला था भाई मॉर्निंग में उठने से ये ये फायदे होंगे ऐसे ऐसे करना है अगले दिन से लग गए मम्मी लगा दो चार बजे का अलार्म सुबह चाय पिला देना मैं उठ के देखना फोड़ दूंगा कल से तो एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन उठे पांच दिन यार नींद आ रही है क्या फर्क पड़ता है नहीं हैबिट एक दिन में नहीं बनेगी हैबिट जो है वो एक दिन में नहीं बनेगी अक्सर बोलते हैं किसी भी चीज की आदत पड़ने में ट्वेंटी वन डेज इक्कीस दिन अगर कोई चीज लगातार आप करोगे तो वो एक आपकी हैबिट में बदल जाएगी वो आपकी क्या होगी एक हैबिट में बदल जाएगी सो दो तीन दिन करने से मजा नहीं आएगा ठीक है थोड़ा ज्यादा समय उस चीज को आपको देना पड़ेगा आपकी हैबिट बनाने के लिए दूसरी चीज सुबह उठ के दो तीन घंटे आपने अपनी पढ़ाई को दिए और उन टॉपिक्स को दिए जो बहुत हार्ड थे ठीक है उन टॉपिक्स को दिए जो बहुत हार्ड थे आपको समझ में आने लगा आपसे सवाल निकलने लगे आपको आने लग जाएगा मजा आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस और वो कॉन्फिडेंस वो मजा अगर आपके दिन की शुरुआत ही कॉन्फिडेंस के साथ हो रही है उस एंजॉयमेंट के साथ हो रही है उस खुशी के साथ हो रही है कि ये टॉपिक मुझसे नहीं हो रहा था और अब फाइनली मैं ये कर पा रहा हूं तो आप बाकी का बचा हुआ दिन कितना सही तरीके से कितना कॉन्फिडेंटली प्लान कर पाओगे कि आप भी समझ सकते हैं राइट फिर बाकी के बचे हुए दिन में वही कॉन्फिडेंस आपके अंदर बरकरार रहेगा और वही कॉन्फिडेंस जब आप और पढ़ाई करोगे बाकी सब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से पढ़ोगे तो वो कॉन्फिडेंस वहां पर रिफ्लेक्ट होगा होगा कि नहीं होगा तो इसीलिए ये जो मॉर्निंग के टू टू थ्री आवर्स आपको आपकी स्टडी को देने ही देने हैं बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं या कोई भी एग्जाम हो ये जो सुबह का टाइम देना है ना दो तीन घंटे का ये आपके बाकी का दिन और बाकी के दिन की पढ़ाई दोनों पर बहुत ज्यादा असर डालेगा और असर कैसा पॉजिटिव असर नेगेटिव असर नहीं पॉजिटिव असर ठीक है वो टॉपिक्स उठाओ जो समझ में नहीं आ रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम आ रही है चाहे वीडियोस देखो ठीक है चाहे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो चार जगह से और पढ़ना पड़े तो वो करो ठीक है लेकिन सुबह इतनी मेहनत आप कर पाओगे क्योंकि आपके अंदर क्या है वो स्ट्रेंथ है सुबह करने की रात के समय तक क्या होता है सारा दिन में सौ तरीके के काम होते हैं सौ बार पढ़ने बैठ चुके होते हैं खेल कूद चुके होते हैं रात में आठ बजे पढ़ने बैठे कि भाई दो तीन बजे तक पढ़ेंगे लेकिन थके हारे होते हो इतना एनर्जाइज नहीं होते हो, इतनी एनर्जी आपके अंदर नहीं होती है, है इतनी विल नहीं होती है इतनी एफिशिएंसी नहीं होती है ब्रेन की कि अब वो टोटली totally अपना हंड्रेड परसेंट जो है वहां पर दे सके ठीक है दिन की सौ तरीके की बातें होती है आज दिन में ये हुआ वो हुआ वो हुआ, हुआ, हुआ। मॉर्निंग में ऐसा कुछ नहीं होता मॉर्निंग में सो के उठते हो ठीक है सारी चीजें इधर उधर अपने कुछ दिमाग में नहीं होता बाकी का दिन कैसा जाएगा वो भी आपके ऊपर अभी दिन बिताया ही नहीं है तो दिन कैसा जाएगा क्या पता मान लो दिन अच्छा नहीं गया रात में सोचा पढ़ेंगे नहीं मन किया पढ़ने का ग्यारह आज का दिन बड़ा खराब था मैं नहीं पढ़ने बैठ रहा गया ना सारा दिन भी वेस्ट हुआ रात में भी नहीं पढ़े मॉर्निंग में मॉर्निंग का फायदा यही होता है सुबह सुबह कोई बकवास नहीं होती सब सोए हुए होते हैं अलग ही एनर्जी होती है सुबह उठो थोड़ा सा पानी वानी पियो हल्का फुल्का घूमो थोड़ी नींद नींद खोलो मुंह धो ठीक है और लेके बैठ जाओ दो से तीन घंटे हंड्रेड परसेंट दीजिए आपका टाइम सेव होगा आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ठीक है एंड देन वो चीज कभी नहीं भूलोगे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और फिर सारा दिन जितनी पढ़ाई करते उसकी डबल हो जाएगी एक तरीके से दी थी आज तो अब तो देखो मैं क्या कर दूंगा मैं बिल्कुल फाड़ दूंगा अब मैं ये भी कर दूंगा मैं वो भी तो वो कॉन्फिडेंस जब आप अगर खुद के बारे में ये सोचोगे एक होता है ना कि अगर आप ये बोलते हो अपने आप को बार बार कि यार मेरे को मेरे से ना ये फिजिक्स मेरे बस की चीज नहीं है मुझसे नहीं होती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं नहीं कर पाता नहीं मुझसे नहीं होती बार 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 आप खुद को क्या बोल रहे हो मैं मेरे से होतीमिस्ट्री नहीं होती मुझसे नहीं होती मुझसे नहीं होती मुझसे नहीं होती आप जब उसको फिर करने बैठोगे आपने एक दो सवाल निकाले मान लो बाई चांस आपका सवाल नहीं निकले बोले कि हाँ देखा मैंने तो कहा था मुझसे नहीं होती ये वाली चीज अपने अंदर मत बिल्ड करना कि ये चीज मुझसे नहीं होती है ये मुझे नहीं आता जो चीज नहीं होती जो चीज नहीं आ रही है करनी मॉर्निंग टाइम में उस टॉपिक को उठाओ उस सब्जेक्ट को उठाओ एंड देन उसके ऊपर काम करना शुरू करो सो so ये जो मॉर्निंग का टाइम टेबल है ना अपनी सात घंटे की नींद पूरी करो ठीक है एंड देन मॉर्निंग के दो तीन घंटे पूरे तरीके से कोई पांच सात मिनट का रेस्ट लेना है बीच में ले सकते हो लेकिन उससे ज्यादा नहीं ठीक है इससे क्या होगा बहुत सारी चीजों में आपको जो है फायदा मिलेगा ही मिलेगा तो यह वाला काम जो है एक परफेक्ट टाइम टेबल ऐसा नहीं बोल रही मैं परफेक्ट टाइम टेबल में आपने सोचा होगा अच्छा मैम चार बजे उठना है चार से पांच पढ़ाई करनी है देन मिनट का ब्रेक लेना है देन छह से सात पढ़ाई करनी है देन खाओ पियो देन ये बहुत कर चुके हैं हम ये इससे इसे ये फॉलो नहीं हो पाती है चीजें एक चीज और ध्यान रखना एक चीज और क्या करनी है आपको पता है कि आप एक दिन में मैथ्स के पचास सवाल निकाल लेते हो ठीक है आपको पता है कि भाई हाँ एक घंटे में मैं मैथ्स के पचास सवाल निकाल लेता हूँ अपना जो टारगेट रख रहे हो ना बहुत सी बार हम क्या करते हैं हमारा टाइम टेबल कैसा बनाते हैं आज मैं ये वाला भी कर दूंगा मैं आज केमिस्ट्री का ये चैप्टर भी खत्म कर दूंगा मैं आज इंग्लिश में टेंसेस भी कंप्लीट कर दूंगा मैं आज सारी पोएम्स भी कंप्लीट कर दूंगा हमेशा जो अपना टारगेट बना रहे हो ना अगर आपने सोचा कि आज मैं तीन चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा तो टारगेट हमेशा दो चैप्टर्स का ही बनाओ टारगेट हमेशा दो चैप्टर्स का ही बनाओ जितना बना रहे हो उससे थोड़ा सा कम का टारगेट बनाओ उससे क्या होगा उससे क्या होगा क्योंकि वो टारगेट क्या होगा वो टारगेट होगा अचीवेबल वो आप इजीली अचीव कर जाओगे आपको पता है आप दिन के पचास सवाल निकाल लेते हो आपने टारगेट बनाया भाई आज मैं ना चालीस सवाल निकालूंगा जब आप निकाल ही पचास लेते हो आपने टारगेट लेकिन चालीस का बनाया तो चालीस तो हो ही हो जाएंगे तो उस चालीस को करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा तो उस कॉन्फिडेंस के साथ आप बीस एक्स्ट्रा और कर जाओगे और फिर वो साठ हो जाएंगे उस कॉन्फिडेंस के साथ बीस एक्स्ट्रा और हो जाएंगे यार चालीस का टारगेट बनाया था देख चालीस के चालीस खत्म कर दिए मैंने और फिर वो एक कॉन्फिडेंस और होता है ना कि हाँ यार देख मैं कर लूंगा मेरा कोर्स तो हमेशा अपना जो एग्जाम का भी टाइम टेबल बना रहे हो ना कि आपने सोचा एक महीना रह गया एक दिन में दस चैप्टर एक दिन में पंद्रह नहीं थोड़ा कम 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 बनाओ इसीलिए अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो ताकि आपके पास समय हो अगर समय होगा तो थोड़े छोटे छोटे टारगेट्स बनाओगे उन छोटे छोटे टारगेट्स को क्या कर पाओगे अचीव कर पाओगे और जब वो छोटे छोटे टारगेट्स अचीव कर पाओगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर बिल्ट होगा सारे टॉपिक्स आपके इजीली आप खुद से समझ पाओगे आपके पास कमी नहीं है कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है किसी भी चीज की कमी नहीं है हर एक टॉपिक अवेलेबल है डाउट नेट पे तो स्पेशली ठीक है आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है लाइव वीडियोस हैं रिकॉर्डेड वीडियोस हैं आपके ऊपर एवरीथिंग इज देयर कहीं पर भी डाउट आया कहीं पर भी अटके टीचर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है जो पहले की तरह होता था अब वो काम नहीं है उसी समय देखा ये सवाल नहीं निकल रहा है कैसे करना है तुरंत डाउट सॉल्व हुआ आ गया सवाल समझ में आगे बढ़ गए नहीं करनी पड़ती चीजें ये दस सवाल आज के मेरे डाउट के हैं जाऊंगा ट्यूशन टीचर से पूछूंगा ये काम करना ही नहीं है तुरंत आया, तुरंत डाउट आया हमने सॉल्व किया तुरंत हमने डाउट पे देखा हर एक चीज हमारी तुरंत मतलब साथ की साथ होती चली गई तो कोई भी चीज इकट्ठी नहीं हुई समझ रहे हो तो वो चीजें जब बर्डन की तरह इकट्ठी नहीं होंगी कि ये चीज समझ में नहीं आई टीचर से पूछनी थी या नहीं तो वो वाला भी एक बर्डन सर के ऊपर से हट गया कितने फायदे हैं आप लोगों को कितने ज्यादा तो उस वो जो टाइम आपका सेव हो रहा है उस टाइम को भी आपको यूज करना है ठीक है एक भी चीज छोड़नी नहीं है कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है ठीक है कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो सैटरडे का दिन दो उसको कि भाई सैटरडे संडे ये दो दिन है मेरे पास ये टॉपिक मुझे नहीं आता मैं ये दो दिन दूंगा इसको इस तरीके से अपनी सारी चीजें जो है वो प्लान करनी है एक चीज और होती है कर मान लो आप सुबह छह बजे उठते हो छह से आठ बजे तक आपने पढ़ाई की ठीक है वो, कर वो, वो, वो शुरू करेंगे जब वो उठ के अपना काम शुरू करेंगे तब तक आप वो काम कर चुके हो उसके बाद आप अपना बाकी का दिन प्लान कर सकते हो तो आप सबसे क्या हो जाते हो एक कदम आगे हो जाते हो ये ही बात होती है सुबह उठकर पढ़ाई करने के लिए और क्यों सुबह उठकर पढ़ाई करना एक परफेक्ट चीज मानी जाती है और आपके टाइम टेबल के अंदर आनी ही आनी चाहिए इसीलिए क्योंकि जो भी मॉर्निंग पर्सन होते हैं वो सभी से कम से कम एक कदम जो होते हैं वो आगे होते हैं क्योंकि जब दूसरे लोग उठ के वो काम करना शुरू करेंगे तब तक आप ऑलरेडी वो काम कर चुके होंगे ठीक है सो so, ये थी कुछ अच्छी बातें सुबह उठने के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है जो बच्चे नहीं उठ सकते जिनके बस की ही नहीं है भाई हम रात में ही पढ़ सकते हैं वो नहीं फॉलो करे कोई बात नहीं आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल वो नहीं करना है कि नहीं नहीं ऐसे करना ही होगा करना ही होगा लेकिन जो लोग कर सकते हैं जो लोग उठ सकते हैं जिनको चाह है कि हाँ हम करेंगे उनको ये चीज जरूर फॉलो करनी चाहिए सो आई होप आपको ये जो सेशन है ये पसंद आया होगा एंड वापस से मिलेंगे ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्जाम्स के लिए बढ़िया तैयारियां शुरू कर दो रिविजन वगैरह स्टार्ट कर दीजिए एंड गुड लक एन सी यू